नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के शुभ मुहूर्त का ऐलान होने वाला है। आज श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अयोध्या में जुटे और मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा की। इस चर्चा में सबसे अहम मुद्दा शिलान्यास की तारीख तय करने को लेकर था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, चर्चा यह है कि 29 जुलाई या फिर 5 अगस्त को शिलान्यास की तारीख पर मोहर लग सकती है। साथ ही तमाम संत शिलान्यास का शुभ कार्य प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होने की इच्छा जताते रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच बड़ी जानकारी ये है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक खत्म हो गई है। 29 जुलाई को भी बुधवार है, 5 अगस्त को भी बुधवार है, इन दोनों में से एक तारीख तय की जा सकती है। 29 जुलाई या फिर 5 अगस्त, इसको लेकर मंथन लगातार जारी रही। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या पीएमओ की ओर से औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर पीएम के अयोध्या कार्यक्रम को लेकर अब तक कोई बात सामने नहीं आई है, जबकि ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या के संत लगातार पीएम मोदी से अयोध्या आने को लेकर आग्रह कर रहे हैं और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा सकते हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवेंद्र, ये जो बड़ी बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है, क्या और जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई निकलकर सामने आई? दो तारीखों पर मंथन किया गया है, 29 जुलाई या फिर 5 अगस्त। जी बिल्कुल चित्रा, देखिए ये बहुत अहम बैठक थी क्योंकि इतनी बड़ी बैठक इस ट्रस्ट के बनने के बाद ये पहली बार हो रही थी जिसमें तय होना था कि आखिरकार किस दिन शिलान्यास होना है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीख पाने की कोशिश की जा रही थी, चिट्ठी लिखी जा चुकी थी। आज जब ये बैठक हुई है तो इसमें दो तारीखें 29 और 5 जो अगस्त है उसकी बात आ रही है, 29 जुलाई और 5 अगस्त। और ये पहले ही तय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर आखिरी फैसला लेंगे, यानी पीएमओ पहले इस पर तय करेगा। तो इसलिए आज जो बैठक हुई है इसमें इस बारे में जानकारी पीएमओ को दे दी गई है। और बैठक में तमाम और दूसरे बिंदुओं पर भी बात हुई जिनको लेकर के सारी जानकारियां वहां पर दे दी गई हैं, जिसके हिसाब से पीएम को तय करना है कि आखिरकार वो किस तारीख को यहां पर आएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये पूरा जो शिलान्यास जो शुरू होना है कंस्ट्रक्शन के लिए, वो बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के नहीं होना चाहते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण का वक्त चल रहा था इसलिए इस बात का भी एहतियात रखे जाने की जरूरत थी कि कहीं ऐसा ना हो भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो जाए, लोग आ जाए, इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। इसलिए इस पर आखिरी फैसला पीएमओ लगा। लेकिन इसको लेकर के मंथन करीब यहाँ 2.5 घंटे, 3 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और 5:30 बजने के थोड़ा बाद तक मीटिंग चलती रही, यानी कि 2.5 घंटे के आसपास इस पर मंथन होता रहा। बाकी और भी चीजें थी, बहुत अहम चीजें थी कि किस तरह का डिजाइन होगा, कितनी ऊंचाई होगी मंदिर की, और जो दूसरी मांगे थी उन सब चीजों को लेकर के बातचीत हुई, चर्चा हुई। और उसके बाद अभी हालांकि आधिकारिक बयान नहीं आया है पूरी तरीके से इसमें, लेकिन जो कुछ भी बातें बाहर निकल के आ रही है उसके मुताबिक पीएमओ को इसकी जानकारी दे दी गई है। पीएमओ आखिरी फैसला लेगा कि प्रधानमंत्री किस दिन यहाँ पर आएंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे या कौन सा तरीका होगा जिसके जरिए इसका कंस्ट्रक्शन का शुभारंभ होगा। लेकिन ये अहम बैठक है जो खत्म हुई है जिसमें सारे ट्रस्टीज, सारे लोग और प्रधानमंत्री की तरफ से वहां से जो नॉमिनेटेड नृपेंद्र मिश्र है कंस्ट्रक्शन समिति के चेयरमैन, वो भी मौजूद थे। तो ये मीटिंग बहुत ही कारगर रही है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनका फैसला हो गया है। ये बहुत अहम जानकारी आपने दी है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी शिवेंद्र आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। 29 जुलाई या 5 अगस्त को लेकर मंथन लगातार चलता रहा। आपको यह भी बताते चले कि इन दोनों ही दिन बुधवार है, अब आखिरी फैसला पीएमओ को लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जाएंगे इसको लेकर तरह तरह के कयास हैं, लेकिन खबर यह भी है कि पीएम ही कर सकते हैं शिलान्यास। सदियों का इंतजार, क्या पीएम खोलेंगे राम मंदिर के द्वार? इस पर यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हल्ला बोल में हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। जगह दो सुप्रीम कोर्ट और करोड़ों लोगों की आस्था ने पहले ही तय कर ली थी, लेकिन वक्त को लेकर अभी तक संशय बना हुआ था। अब जाकर वो शुभ घड़ी भी तय होने वाली है जब दुनिया भर के सनातनियों के इष्ट और हिंदुस्तान के कण कण में बसे राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण का शुभारंभ होगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य आज इसी मंथन में जुटे हैं। कोई डेट तय हुई बता दे रहा? 5 तारीख की डेट है, 29 या 5। अच्छा, और क्या क्या बिंदु हैं जिन पर बात होगी सर? मंदिर का प्रारूप जी, कहा जा रहा है ऊंचाई बढ़ाने की बात हो रही, क्या इस पे विचार होगा? धन संकलन की व्यवस्था। माना जा रहा है कि 5 अगस्त को मंदिर के शिलान्यास की तारीख तय कर ली गई है। आज की बैठक में अंतिम विचार विमर्श के बाद इस पर मुहर लगाई जा सकती है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के गठन के बाद से ही साधु संत लगातार पीएम मोदी से शिलान्यास करने की अपील करते रहे हैं। पीएम मोदी को ये शुभ कार्य सावन के महीने में करने को लेकर संतों की तरफ से चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है, लेकिन पीएम इस बारे में क्या सोच रहे हैं ये उन्होंने अभी तक जाहिर नहीं किया है। मोदी जी का को जो पत्र भेजा गया था, अभी क्या लेटर आया क्या है इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं मोदी जी यहाँ पर आओ, मंदिर का निर्माण करता। कोरोना के कारण से कुछ बहुत बड़ा कार्यक्रम माने अयोध्या में लाखों लोगों को इकट्ठा करने वाला, ये उचित नहीं है। ये तो कार्यक्रम ऐसा होगा कि कुछ थोड़े से लोग अयोध्या में आए और देश भर में इसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन ये सब जगह होगा। ये भी सच है कि अगर पीएम मोदी शिलान्यास के मौके पर अयोध्या पहुंचते हैं तो वो रामलला के दरवाजे तक पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। विवाद और कानूनी प्रक्रिया के दौर में तिरपाल के नीचे विराजे रामलला के दर्शनों के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा। ऐसे में बीजेपी समर्थकों और राम में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों को पीएम मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं। अयोध्या से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं शिलान्यास के इस बहुत बड़े कार्यक्रम के लिए, तो यकीनन ऐसा पहली बार होगा जब पीएम पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति अयोध्या का कूच करेगा। इसके पहले एक दूरी मेंटेन करते रहे हैं तमाम राजनेता, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि पीएमओ को आखिरी फैसला लेना है, और इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे साथ विनोद बंसल जी वीएचपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमएच खान साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो उनको भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि के आचार्य सत्येंद्र दास जी भी जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत है, लेकिन शुरुआत शलभमणि त्रिपाठी आपसे ही करते हुए, प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं क्योंकि यूपी सरकार की ओर से भी बहुत सारी जानकारी पीएमओ को दी गई है। देखिए, हम इस सवाल का इंतजार हमको भी है, इस सवाल का जो जवाब है क्या आता है। आपने देखा ये पूरा विषय जो है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट उनकी तरफ से ये सारा निर्धारण हो रहा है, और जैसा कि आपके अभी संवाददाता शिवेंद्र को हम सुन रहे थे कि उनकी तरफ से गुजारिश गई है, उनकी तरफ से ये अपील की जा रही है कि प्रधानमंत्री जी आए। निश्चित तौर पे लाखों करोड़ों जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और मुख्यमंत्री जी के पूरे देखरेख में जिस तरह से पूरा फैसला आया, शांतिपूर्वक तरीके से इस पूरे फैसले को देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने उस पर अमल किया, चाहे वो प्रतिवादी पक्ष रहा हो चाहे वादी पक्ष रहा हो, सबने इसका स्वागत किया। और 500 साल बाद एक इंतजार पूरा होने जा रहा है, एक बहुत बड़ी संख्या में जो देश और दुनिया में जो प्रभु राम के भक्त मौजूद हैं उनका एक सपना जो 500 साल का था, बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी, बहुत से लोगों ने त्याग किया, बहुत से लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, 500 साल बाद ये सपना पूरा होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हम सब चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद रहें, उसके उनके हाथों उनके कर कमलों इसका शुभारंभ हो, लेकिन निश्चित तौर पर आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री जी की बहुत व्यस्तता होती है, अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री जी को ही लेना है। 2 तारीखों पर चर्चा चल रही है, 29 जुलाई या फिर 5 अगस्त। आपको बता दें कि 3 तारीख को चूंकि रक्षाबंधन है, उसके पहले या बाद का क्या कार्यक्रम तय होता है ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल। लेकिन अनुराग भदौरिया, आपके पास आते हुए, भले ही अदालती फैसला हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे मुद्दे को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगातार लगे भी रहे, और यह आंदोलन के दौरान से लेकर अब जब शिलान्यास का कार्यक्रम तय होने जा रहा है उस दौरान भी देखा जा रहा है। पीएम अगर अयोध्या में जाकर शिलान्यास करते हैं, कैसे देख रही है समाजवादी पार्टी अगर ये फैसला लिया जाता है तो? देखिए, हम लोगों ने हमेशा से, आपने देखा होगा, न्यायपालिका का सम्मान किया। न्यायपालिका ने बोला मंदिर बनेगा तो बने, अच्छा मंदिर बने, लेकिन हमने उसके पहले ही, आपने अगर आप मेरी सरकार थी, और मैं अभी बीजेपी की सरकार से ही पूछूंगा, हमारी सरकार थी तो हमने 52 करोड़ रुपए खर्च किए थे, उसको हमने अंडरग्राउंड विद्युतीकरण किया है पूरे अयोध्या का, और हमने 38 करोड़ रुपया खर्च किए थे उसमें सीवर लाइन बिछाने के लिए, जो अयोध्या में पानी की दिक्कत होती थी, और 15 करोड़ रुपए हमने भजन स्थल बनाया था 15 करोड़ रुपए खर्च करके, और राम की पौड़ी में भी हमने 14.5 करोड़ रुपया खर्च किया उसको सुंदरीकरण के लिए, जिससे इसका जलभाव अच्छी तरह बेहतर है, और 1 करोड़ रुपए हमने खर्च किए थे, बहुत अत्याधुनिक हमने वहाँ शौचालय बनाए थे जिससे पर्यटक आते हैं उनको दिक्कत ना हो,
और जहां पे घाट है वहां पे हमने चेंजिंग रूम बनवाए थे, अच्छे चेंजिंग रूम। और आपने देखा होगा कि 14 कोसी और जो 25 कोसी जो वहां परिक्रमा मार्ग है उसको हम उसमें हमने 15.5 करोड़ रुपए खर्च किए उसका सुंदरीकरण कराने के लिए। उसके चारों तरफ हमने पेड़ लगाए, सुंदर पेड़ लगाए। तो हमने अयोध्या को अयोध्या बनाया। अब मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आपकी सरकार है 3.5 साल से, उसके पहले कल्याण सिंह जी की भी सरकार थी, राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, ये बताइए अयोध्या के लिए क्या किया? और हमने बाईपास भी बनाया अयोध्या में जिससे अयोध्या में आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, उसको 4 लाइन से हमने बाकायदा जोड़ा है। लेकिन मैं पूछूंगा कि अयोध्या के लिए, अयोध्या में जो राजनीति करते हैं अयोध्या, उन्होंने क्या किया अयोध्या के लिए? भाई कल्याण सिंह 3 बार चीफ मिनिस्टर थे, राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे, हमने तो इतना डेवलपमेंट किया वहां पे। और सुनिए, मैंने रैन बसेरा भी बनाए, भजन स्थल भी बनाए, और वहां पे हमने सत्संग भवन भी बनाए हैं। विकास की इतनी गंगा बहा दी थी अगर आपने, तो अयोध्या अगर मैं आज की तारीख में भी जाकर देखूं तो फिर उसकी स्थिति कैसी है ये बताने की जरूरत नहीं है अनुराग। लेकिन जो अच्छा आपने सवाल खड़े किए हैं, आप तो बहुत आप बकायदा लिस्ट लेकर बैठे हुए थे, मैं शलभ से जवाब ले लेती हूँ। शलभ मणि जी, करेंगे नहीं गंदगी करेंगे तो उसमें समाजवादी क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब ले लेती हूँ। शलभ मणि जी, उन्होंने तो विकास की पूरी फहरिस्त गिना दी है। अरे सुनिए कि भले ही अयोध्या जाएं या ना जाएं उनके नेता, लेकिन बहुत सारा विकास का काम कर दिया वहां। राम का स्थल है, जाएं ना जाएं, अरे सुनिए अनुराग, सुनिए, अरे सुनिए अनुराग, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या ये बता दे। अरे सुनो भाई अनुराग, सुन लीजिए, बता रहा हूं, रोड भी बनाई हो तो बता रहा हूं, सुनिए, एक रोड बनाई हो नहीं, देखिए देखिए देखिए, अब ये बोलने नहीं देंगे चित्रा, चुप। इन्होंने 52 करोड़ रुपए फीस दी, इन्होंने 52 करोड़ रुपए खर्च किए तो ऐसे लगा जैसे प्रभु राम पे इन्होंने एहसान कर दिया। ये नहीं बताया कि राम भक्तों पर गोलियां चल रही है, ये नहीं बताया कि 52 करोड़ रुपए, 52 करोड़ रुपए लगाकर इन्होंने हज हाउस बनवाया। मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधे उसका रुख कर लेती हूँ। आपको बता दें, पीएमओ को जो नई तारीख दी गई है उसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 2 तारीखें भेजी गई हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। पीएमओ को 3 और 5 अगस्त की तारीख दी गई है। आपको बताते चले, 3 तारीख को रक्षाबंधन है जैसा कि मैं इस वक्त देख पा रही हूँ, और 5 तारीख को बुधवार है। 3 और 5 में से कौन से कार्यक्रम को तय करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका पीएमओ क्या डिसाइड करता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मंदिर के प्रस्तावित नक्शे में बदलाव किया जाएगा, इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मंदिर में 3 की जगह अब 5 गुंबद होंगे, यानी कि एक बहुत बड़ा भव्य राम मंदिर बनाने की ये बहुत बड़ी तैयारी। और इसी वजह से जो प्रस्तावित नक्शा था, अब उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं और उसको और ज्यादा वृहद रूप यानी कि व्यापक रूप दिया जा रहा है। बहुत बड़े राम मंदिर निर्माण को लेकर ये शिलान्यास का कार्यक्रम काफी दिनों से अटका हुआ था। कोरोना काल में भी तारीखें एक के बाद एक चलती हुई चली गई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक तरफ इस ट्रस्ट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि नक्शे में बदलाव किया जाएगा। अब 3 की जगह आपको बताते चले 5 गुंबद, जो गुंबद को लेकर फैसला किया गया था, वही तारीख भी बताई गई है। तारीख यह है कि 3 अगस्त या फिर 5 अगस्त, ये दोनों ही तारीखें पीएमओ को दे दी गई हैं। और इनमें से एक तारीख क्या निर्धारित की जाती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। और इस बात को भी ध्यान में रखिए कि हमेशा अयोध्या से चूंकि विवाद का नाता रहा, कोर्ट में पूरा मामला चलता रहा, इसी वजह से हर एक प्रधानमंत्री ने देश के एक निश्चित दूरी बनाकर रखी हुई थी। लेकिन अब कोर्ट का फैसला आ चुका है, पिछले साल नवंबर में 2019 को फैसला आया और उसके बाद बार बार ये सवाल खड़े होते रहे। शलभ जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। शलभ देखिए, 3 गुंबद पर ही अभी अनुराग भदौरिया का बीपी इतना बढ़ा हुआ था, आपने 5 गुंबद की बात बता दी, इनके तो छाती पे सांप लौट रहा होगा समाजवादियों के। ये कहते हैं 52 करोड़ रुपए श्रीरामजी की नगरी में दे दिया, 52 करोड़ रुपए इन्होंने हज हाउस बनवा दिया, इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, ये भी नहीं बताएंगे, इन्होंने प्रभु राम की नगरी में जिन्होंने आतंकी हमला किया, जिन आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट किए उनके मुकदमे समाजवादी पार्टी ने वापस किए, इनकी तो छाती पर सांप लौट रहा होगा, इनकी तो छाती पर सांप लौट रहा होगा, आप 3 और 5 बता रहे हो गुंबद, इनकी तो छाती पर सांप लौट रहा होगा, इतने परेशान होंगे। प्रभु राम के नाम से इनको नफरत है, आपको पता है, प्रभु राम के नाम से नफरत है, राम भक्तों के इन्होंने बोलेंगे तो दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। अनुराग, आप क्या बोल रहे हैं लोग नहीं समझ पाएंगे, और जो जवाब शलमणि दे रहे हैं वो भी लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा। प्लीज अपनी उनकी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप जरूर बोलिएगा। शलमणि जी, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए,
मैं वही कह रहा हूं कि इन्होंने 52 करोड़ रुपए अयोध्या में लगाया, 5200 करोड़ रुपए के हज हाउस बनवा दिए वो नहीं बताएंगे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो नहीं बताएंगे, जिन्होंने सीरम ब्लास्ट किया अयोध्या के भीतर उन आतंकवादियों के मुकदमे इन्होंने वापस लिया वो भी ये नहीं बताएंगे। आज इनको कष्ट इस बात का है कि प्रभु राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और एक शानदार मंदिर बनने जा रहा है। अयोध्या में जो विकास पिछले 3 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, एयरपोर्ट लाने से लेकर अयोध्या को नगर निगम का दर्जा देने से लेकर 1000 करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं को, और साथ में दीप प्रज्वलन तक दीपावली में समाजवादी पार्टी नहीं करने देती थी, दीप प्रज्वलन इन्होंने वहां की रामलीला बंद कर दी थी, जो सालों से रामलीला चली आ रही थी। अभी महंत जी बैठे सारा कुछ बताएंगे, इतना कुछ इन्होंने राम जी के विरोध के नाम पर किया, लेकिन आज जब काम हो रहा है, आज जब प्रभु राम का नाम हो रहा है और पूरी दुनिया में अयोध्या विश्व के मानचित्र पर एक नजर आ रही है, तो निश्चित तौर पर बहुत से लोग बौखलाए, बहुत से लोग परेशान है। अनुराग भदौरिया का जो ब्लड प्रेशर है, उसके बाद मैं तुरंत महंत जी के पास जाऊंगी, जल्दी से ऊंचाई भी और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, जो पहले से प्रस्तावित ऊंचाई है राम मंदिर की उसको और भव्य बनाने के लिए उसको और ऊंचा किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ खूब भव्य राम मंदिर बनाए, मैं तो भाई कौन नहीं चाहता, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है तो मंदिर बनना ही चाहिए, लेकिन दिक्कत इनका मुद्दा खत्म हो गया, इनका मुद्दा खत्म हो गया। अब मुद्दा खत्म हो गया तो हम उसका विकास बढ़वाने वाले लोग हमने काम किया है, लेकिन ये परेशान है, इनके पेट में दर्द होने लगता है जब वहाँ डेवलपमेंट किनारे, भाई आपकी सरकार है, आपने क्या किया वहाँ, एक चौड़ी रोड भी बनाई हमने तो गिराया है, हमने राम की पौड़ी को वहाँ पे अप्रैल वहाँ पे अच्छा पानी आए, इसलिए हमने शानदार दीपावली होती है अनुराग, बनाया हमने अंडरग्राउंड मोबाइल पर दरवाजे तार के जिससे लोगों को दिक्कत ना हो, विद्युतीकरण किया, शानदार दीपावली जो होती है सिविल लाइन दरवाजे सिविल लाइन दरवाजे, अब हम राजनीतिक टूटू मैने में नहीं पड़ेंगे, मैं बाहर आ जाती हूं, उसके बाद ठीक है, विकास के बारे में जो उन्होंने पूछी तो आपको जवाब देना चाहिए कि अयोध्या के विकास में क्या किया बीजेपी ने, और साथ ही अनुराग भदौरिया जी और साथ ही ये भी आपको बताना चाहिए कि अयोध्या से वहीं पर आसपास फैजाबाद आपके नेता जाते थे, दूसरी जगह पर जाते थे, अयोध्या से दूरी आखिर क्यों बनी रही, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी के इतने सालों तक और कई बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी, ठीक है डिबेट की, आप कैसे कह सकते हैं कि कोई दूरी बना रहा था, वहीं पे मैं डिबेट की है आपके साथ, कमाल भूल भी गए आप। अब मैं अखिलेश यादव से आपकी तुलना तो नहीं कर सकती, मैंने तो मुख्यमंत्री की बात की अनुराग भदौरिया जी, ठीक है मैं लौटूंगी, मैं लौट रही हूँ आचार्य सत्येंद्र दास जी, अब मैं आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बकायदा निमंत्रण दिया गया है, सभी लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए और शिलान्यास करें, आप सालों से भगवान राम की सेवा वहां पर करते चले आए हैं, मैं चाहूंगी आप लोगों की क्या ख्वाहिश है, क्या इच्छा है, क्या सोच रहे हैं इसको लेकर आप लोग? देखिए सबसे प्रथम हम निवेदन ये करेंगे कि राजनीति को इसमें न लावें, राजनीति के लिए बहुत सी जगह है, लेकिन अब सभी पार्टियां भव्य दिव्य मंदिर जो रामलला का बनने जा रहा है इसमें सहयोग करें और इसमें किसी प्रकार के रोड़ा न अटकावें। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के है, यह सत्य है कि इन्हीं प्रधानमंत्री के जीवन काल में, इनके प्रधानमंत्रित्व काल में यह राम जन्मभूमि का जो सदियों से चला रहा था विवाद वह समाप्त हुआ, इसका श्रेय यदि जाएगा तो प्रधानमंत्री जी को ही जाएगा, इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री जी को अयोध्या के लोग ही नहीं केवल भारत के लोग जो भगवान राम लला के भक्त हैं, श्री राम के भक्त हैं, वो सब चाहते हैं कि यह भूमि पूजन शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो, यह इसकी इच्छा पूर्ति हो कि कई बार अयोध्या के लोगों ने बैठक करके जब जब यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी आए उनसे कहा गया था कि आप यह प्रयास करें कि हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या आवें, यह एक बहुत महत्वपूर्ण समय आया है और मैं आशा करता हूँ कि हमारे भक्तों का निवेदन स्वीकार करके, और निश्चित है प्रधानमंत्री जी चाहे वो 3 तारीख हो या 5 तारीख हो या 29 तारीख हो, किसी न किसी तारीख को यह निश्चय हो जाएगा, जिस दिन निश्चय हो जाएगा उस दिन एक प्रकार का अयोध्या में उत्सव मनाया जाएगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आने का समय है वो आएंगे और उनके करकमलों द्वारा यह जो बनने वाला भव्य मंदिर है और यह विश्व का एक अद्वितीय मंदिर बनने वाला है उसका शिलान्यास उसके भूमि पूजन करेंगे, ये बहुत इच्छा है और निश्चित है इसका यह परिणाम, इसका जो आशाएं हैं वह पूर्ण होगी।
चलिए, ये आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही तारीख तय करें, चाहे वो 3 अगस्त हो या फिर 5 हो, और वो आए, भूमि पूजन उन्हीं के हाथों से हो। लेकिन आपने साथ ही पूरा का पूरा श्रेय राम मंदिर को लेकर जो भी फैसला आया वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दे दिया, लेकिन इस पर विपक्ष तो ये कहता है फैसला तो कोर्ट का है। जी, पहले से भी कोर्ट चलता था, बहुत से प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन उनके कार्यकाल में नहीं हुआ। जिसके कार्यकाल में जो होता है उसको श्रेय मिलता ही, सत्य है कि जो आदेश हुआ है वो कोर्ट के माध्यम से हुआ है, लेकिन यह कहा जाएगा कि किस समय हुआ, तो जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। मतलब आपको लगता है कि जब भी इतिहास इस दौर को लेकर लिखा जाएगा तो जब फैसला जिसके कार्यकाल में आया उसको इसका श्रेय मिलेगा, आपकी बातों से मैंने ये समझा है। एमएस खान जी, अब मैं आपके पास आते हुए, इसके बाद मैं तुरंत विनोद बंसल जी आपके पास आऊंगी। शलभमणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि हज हाउस के गुंबद को ज्यादा बड़ा करने में ही समाजवादी पार्टी लगी रही, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगेगा कि राम मंदिर में अगर 3 की जगह 5 गुंबद लग गए, तो आपकी क्या सोच है इस पर? चित्रा जी, देखिए, राम मंदिर का मुकदमा जब चल रहा था तब मैं अयोध्या में था, एक हफ्ता मैं अयोध्या में था, आपके आज तक चैनल पर भी था, आदरणीय सत्येंद्र दास जी भी हमारे साथ डिबेट में साथ में रहे हैं, कई डिबेट में साथ में रहे हैं, और मैंने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आ जाए उस पर हिंदू और मुसलमानों को मान लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह लिया कि ट्रस्ट बनाइए, अब ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट बन जाने के बाद ट्रस्ट का फैसला क्या होता है, प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, राष्ट्रपति को बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, लेकिन इसमें अब इस चीज में ये नहीं पढ़ना चाहिए हज हाउस में क्या हो गया, जो भी सरकारें आती हैं संविधान का शपथ लेके आती हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, प्रधानमंत्री तक ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, तो इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि 5 गुंबद बने या 8 गुंबद बने, भव्य मंदिर बन जाए, किसी तरह से ये रामलला का मंदिर बन जाना चाहिए, इसका हमने पहले भी स्वागत किया है। और जो मस्जिद को लेकर 5 एकड़ जमीन दी गई है उस पर बाबरी, चित्रा जी आगे, बाबरी मस्जिद के जो मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी थे, मेरा सवाल सुन लीजिए उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा, वो चाहते हैं कि उस पर अस्पताल या स्कूल बने, क्या सोच है इस पर आप लोगों की? नहीं, मेरी देखिए, जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद को दी गई है, अब मस्जिद के लिए दिया गया तो इस पर यह पाबंदी नहीं लगाई गई कि आप क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, मस्जिद बना लीजिए आप। अब उस पक्षकार के लोग जो हैं उस पर, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो बिल्कुल खामोश बैठा है, वो कुछ नहीं करना चाहता है। अब आप किस पे ब्लेम देंगे, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, एक बहुत बड़ा फैसला जो आया था, जो गंगा जमनी तहजीब को एक साथ खड़ा करने वाला, 99% मुसलमानों ने इसका स्वागत किया है, और हिंदुस्तान में 1% मुसलमान जो दंगाई टाइप के मुसलमान होते हैं वो इनका विरोध कर रहे थे, वो रिव्यू पिटीशन में भी चले गए। हमने कहा था कार्यशाला में खड़े होकर, हमने कहा था, आज तक को मैंने कहा था कि अगर रिव्यू पिटीशन में किसी को नहीं जाना चाहिए, अगर जो फैसला आता है राम मंदिर पर उस पर सबको मान लेना चाहिए और रिव्यू पिटीशन में किसी को नहीं जाना चाहिए। किंतु परंतु थे, उसका जवाब मिल गया। ठीक है सर, मैं लौटूंगी, लेकिन मैं अब सीधे विनोद जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का एक लंबा इतिहास रहा है आंदोलनों का या फिर राम मंदिर निर्माण को लेकर, यकीनन फैसला कोर्ट का है, लेकिन आप लोगों को भी कम से कम आप लोगों के जो संघर्ष रहे हैं उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो जब भी राम मंदिर की बात होती है इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप लोग भी दिल बड़ा करके क्यों नहीं कहते हैं कि हिंदुओं का भी मुसलमानों का भी सबका साथ सबका विकास, जिसका जिक्र एमएच खान कर रहे थे। विनोद बंसल जी, चेता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वास्तव में भगवान राम किसी हिंदू के थे ना मुसलमान के थे, वो तो मानवता के थे, भारत के थे और विश्व के थे। आप बताए, भगवान श्री राम की जो शिक्षाएं हैं वो किसी न तो अकेले हिंदू के लिए न अकेले मुसलमान के लिए है। आप देखिए, भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है वो कोई मंदिर नहीं बन रहा, जन्मभूमि पर एक वो आदर्श बन रहा है, वो राष्ट्र मंदिर बन रहा है, जिससे कि भगवान राम के आदर्शों को, उनके मर्यादाओं को और उनके उनके जो जीवन के कार्यकलाप थे उनको जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। आप देखिए, भगवान श्री राम ने अपना पूरा जीवन जो है आज दलितों के उत्थान के लिए लगा दिया, जिसको आज की भाषा में आप दलित कहते हो, तो वास्तव में वनवासी गिरवासी और जो पीड़ित और प्रताड़ित समाज था उनके लिए उन्होंने 14 वर्ष लगाए। जब रावण से युद्ध करना था, प्रभु राम चाहते तो अयोध्या की सेना बुला करके और बाकी राजाओं को कहकर के भी युद्ध लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान राम ने वन वन जाकर के, घर घर जाकर के उन सारे जो जो लोग मन से हार मान चुके थे
या जो उस समय के अत्याचारी के सामने सरेंडर कर चुके थे हाँ। उनको एकत्र किया, उनके स्वभाव को उनको जगाया स्वत्व को, और उनको रावण जैसे आतताई के विरुद्ध खड़े होने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। मैं कहता हूँ प्रभु श्री राम के उन आदर्शों को हमें पुनः प्रतिष्ठापित करना है। राम राज्य की संकल्पना जो हमारे महात्मा गांधी जी ने करी थी, उस राम राज्य को भारत के अंदर लाना है। उस राम राज्य में जो है किसी को कोई दुख दर्द नहीं था। हम चाहते हैं कि भगवान श्री राम का ये मंदिर सिर्फ मंदिर न बने, उस आदर्श का वो केंद्र बने। सर लेकिन आप लोगों का भी तो कड़वे और... बोल का इतिहास रहा है ना, तो सुर में तब्दीली करनी होगी, तभी तो सबको लेकर समझने वाली बात होता है। चित्रा जी हमने कभी कड़वा नहीं बोला, हम ये कहते हैं कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो मर्ज को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। चित्रा जी वो अलग बात है कि हमने कभी कड़वी दवाई पिलाई होगी, लेकिन वो उसका भाव सिर्फ इतना सा था कि वो लोग सब स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, देश और धर्म की रक्षा करें, यही हमारा उद्देश्य था। यही कारण था कि राम जन्मभूमि के आंदोलन के विभिन्न चरणों में 16.5 करोड़ लोगों ने सहभागिता की। लेकिन चित्राजी मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे इस बात की गर्व से अनुभूति है कि एक भी किसी का आंदोलन में, एक भी का आंदोलन किसी भी भाग में कहीं किसी तरह की अराजकता नहीं हुई, कोई उपद्रव नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, कोई हताहत नहीं हुआ। जबकि छोटे छोटे कामों में जाने लोग पॉलिटिकल पार्टी को जो कार्यक्रम होते हैं जाने क्या क्या कर बैठते हो। तो ये हमारा गौरवशाली इतिहास है कि भगवान, चूंकि भगवान श्री राम का कार्य था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का काम था, इसलिए सब लोगों ने मिलकर के उसमें सहभागिता की, पूरे विश्व समुदाय के लोग। आप देखिए जब शिला पूजन हुआ था तो भारत के 3 लाख गांव से पूजित शिलाएं वहां पर पहुंची थी, आज भी दर्शनों के लिए रखी है, हम सब लोग देखते ही है। बिल्कुल, आखिरकार कहां से आए वो 3 लाख लोग, क्यों? ठीक है, और विदेशों से भी कई सारी शिलाएं आई थी। मैं चाहता हूं देखिए भगवान श्री राम का ये मंदिर जो है राष्ट्र मंदिर बने, एक ऐसा केंद्र बने जो कि विदेशी आक्रांता आतताई के अत्याचारों से मुक्त करके और जो स्वाधीन भारत के निर्माण के लिए समझ गए एक सांस्कृतिक स्वाधीनता का निर्माण। ठीक है, लेकिन सबके साथ के लिए बहुत जरूरी है कि अपने सुर में भी उसी तरह की नरमी लाई जाए, क्योंकि आज सारे सुर एक पक्ष में है और अनुराग भदौरिया के थोड़े विपक्ष में है, कांग्रेस का कोई नेता हमारे साथ मौजूद नहीं है। लेकिन एक बार फिर से अनुराग, क्योंकि विकास को लेकर बहुत सारे वो दावे कर रहे हैं अयोध्या में, ठीक है, लेकिन अनुराग भदौरिया जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने 18 बार अयोध्या के दौरे पर वो जा चुके हैं, अखिलेश यादव या माननीय मुलायम सिंह जी यादव को एक बार भी अयोध्या की, ये ठीक है कि विकास के कुछ काम आपने किए होंगे जो आपने गिनाए हैं उसको मान लिया जाए, लेकिन अयोध्या से इतनी ज्यादा दूरी बनाकर आपके बड़े नेताओं ने क्यों रखा? कुछ आपको कुछ काम लगे, पूरे अयोध्या को बदल दिया हमने, आप करे कुछ काम कराए, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि समाजवादी पार्टी की सीट वहां का एमएलए भी समाजवादी से जीता था और उसको मंत्री भी बना था, क्योंकि हमने अयोध्या का विकास बहुत किया है। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, हर जगह राजनीति करनी है, इनको धर्म की राजनीति करनी है, हमें हर धर्म हर जाति का ध्यान रखना है और विकास करना है, ये हमारी नीति होती है। ये कहते हैं 84 करोड़ अगर इनको चिंता है, 84 करोड़ क्या है, उत्तर प्रदेश के लोगों की हालत क्या है कि दिन दहाड़े गोलियां छोड़ा दिया जाए और आप कहो कि नहीं नहीं मैं मंदिर गया था और दिन दहाड़े बाहर गोलियां चल रही हैं, लोगों का मर्डर हो रहा है, लोग न्याय करने के लिए आते हैं, लोगों को आत्मदाह करना पड़ता है मुख्यमंत्री के आवास के सामने, और लखनऊ के अंदर में दिन में दौड़ा के 200 मीटर दौड़ा के गोलियों से उसके कटपटी में चला के गोली मार दी जाए, नहीं और पुलिस का इनकाउंटर, जवाब पुलिस का इनकाउंटर, ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस का इनकाउंटर शुरू हो जाए, अपराधी आज तक आखिर क्यों नहीं आपके बड़े नेता रामलला के दर्शन करने गए? मैंने सीधा सवाल पूछा आपसे, आप क्या लगता है विकास नहीं होना चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ कि अयोध्या से अनुराग भदौरिया विकास कहाँ का नहीं होना चाहिए, हम विकास सबका होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि विकास का राम मंदिर से या अयोध्या से समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती आई है, भारतीय जनता पार्टी जीती कब है? पहली बार जीती है, हमेशा समाजवादी जीती है, समाजवादियों ने हमेशा विकास का बताओ ना, लोगों के सम्मान पे जोड़ दिया है, लोगों की भावनाओं का सम्मान किया है, लोगों का आदर किया है, हर जाति धर्म का आदर किया है, इनका क्या है, इनको काम तो कुछ नहीं, मंदिर का नाम लेके
क्या उत्तर प्रदेश अनुराग जी बौखला क्या रहा है यार, आराम से बात कर लो। उत्तर प्रदेश के अंदर में हाहाकार मचा हुआ है, जिधर देखो उधर ठीक है। लेकिन एक सेकंड अनुराग भदौरिया, आपकी आवाज कैसी जा रही है? राम मंदिर को लेकर आप उसके दूसरे मामले को लेकर आएंगे तो कैसे चलेगा? अनुराग भदौरिया, आपकी सारी बातें बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है, यकीनन उस पर डिबेट का समय हम अलग से निर्धारित कर लेंगे। 7 बजे मेरी एक पूरी रिपोर्ट है उस पर, वो जरूर देखिएगा आप। लेकिन अभी तो मैं बात कर रही हूँ राम मंदिर को लेकर ना, और मैं पूछ रही हूँ कि आखिर दूरी क्यों बनाकर रखी? मैंने तो सीधा सीधा घुमा दिया उसको, आपने पूरा घुमा दिया उसको। नहीं नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, हम लोग न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं। न्यायपालिका ने बोला मंदिर बनेगा तो क्या किसी ने बोला, किसी ने कुछ किया? कितने सदियों से चला रहा है, हमने किया वहाँ पे विद्युतीकरण। लेकिन अब राम मंदिर का निर्माण के बाद अयोध्या का एक सेकंड पार्क की जो हम वहाँ पे प्रोजेक्ट बना के गए थे, भारतीय जनता पार्टी राम थीम पार्क समाजवादी बना के गई थी, एक रूपरेखा ठीक है। अनुराग भदौरिया हो गया, आपकी बात ठीक है, आपका पक्ष आ चुका है सामने, आपका पक्ष आ चुका है सामने। आप 4 बार बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ कितना बढ़ चुका है। अयोध्या में मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है मैं चाहूंगी सीधा से जवाब दीजिए, लेकिन उनकी बात भी एक तरफ जाए हो सकती है। चलो एक सेकंड, अब मेरा सवाल शैलमणि त्रिपाठी से है, प्लीज। शैलमणि त्रिपाठी जी, ये बात तो सच है ना कि राम मंदिर का निर्माण हो उसके बाद अयोध्या का विकास हो, ये तर्क तो जायज नहीं है। अयोध्या का विकास तो सारी पार्टियों को करना चाहिए था, फिर इतनी बेबसी उस अयोध्या में क्यों देखने को मिलती है? विकास के पैमाने पर आज भी वो अच्छा इतनी ज्यादा पिछड़ी क्यों है? बहुत अच्छा सवाल आपने चित्रा पूछा, और बहुत अच्छा सवाल अनुराग भदौरिया ने भी पूछा। इनसे पूछिए कि जब आज तक ये खबर चलाता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल 5 VIP जिलों में बिजली आती है, तो क्या उसमें अयोध्या था? अयोध्या को तो इन्होंने फैजाबाद कर रखा था, इतनी अराजकता कर रखी थी। सुनिए अनुराग, सुनिए आप बोलने दो, गलत बात है, बोलने दो। फैजाबाद में इन्होंने अराजकता कर रखी थी, न सड़कें आती थी, न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी का तरीका नहीं हो सकता है। और इस समय हमारे साथ AIIMIM के प्रवक्ता, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, सैयद आसिम वकार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिम वकार साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बन सकता है 3 अगस्त या 5 अगस्त को, जब वो जाकर भव्य राम मंदिर के लिए शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे अयोध्या में, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप ट्रस्ट की ओर से? अब पता नहीं वो बहैसियत प्रधानमंत्री जाएंगे या बहैसियत नरेंद्र मोदी जाएंगे, तो वही जाने कैसे जाएंगे। लेकिन साहब, हम लोग से आप क्या उम्मीद करती है, मुसलमानों से क्या उम्मीद? अब इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया?
कोर्ट का फैसला है, ने पैदा किया, ईश्वर ने पैदा किया दुनिया में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दे दी, बाकी जमीन दे दी मंदिर के लिए दे दी, तो आप कह रहे हैं मुसलमानों से क्या अपेक्षा, मतलब क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वो जमीन लेने से इनकार कर दिया। हाँ, हमारे सदर जनाब असद वैसी साहब ने भी वो जमीन लेने से इनकार कर दिया कि हमें भीख नहीं चाहिए। और जिसने बहुत लंबा संघर्ष किया है इकबाल अंसारी, वो कह रहे हैं कि वहां पर अस्पताल या फिर स्कूल बन जाए। आप लोगों ने तो संघर्ष नहीं किया ना उस चीज को लेकर, जिसने सबसे ज्यादा अयोध्या में रहते हुए संघर्ष किया है, वो आदमी कह रहा है कि वहां पर या तो अस्पताल बन जाए या स्कूल बन जाए। आप लोग तो बाद में टपक पड़े ना उसमें आसिम वकार साहब। इकबाल अंसारी साहब मस्जिद का सौदा कर सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन आसिम वकार नहीं बेच सकते। असद वैसी साहब कभी भी जिंदगी में मस्जिद का सौदा नहीं कर सकते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मस्जिद के एवज में कोई जमीन नहीं ले सकती। आप 5 एकड़ की बात कर रहे हैं, आप 5,000 एकड़ दे दीजिए, आप पूरा एक मुल्क दे दीजिए। अब जब देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ चुका है, शिलान्यास वहां पर होने जा रहा है, भूमि पूजन की तैयारी चल रही है, फिर भी आप लोगों के चेहरे पर इतनी ज्यादा उदासी है, क्या वजह है आसिम वकार साहब? क्यों नहीं दिल बड़ा करके आप कहते हैं कि हाँ वहां पर प्रधानमंत्री जाएं और फिर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो वहां पर? इतना छोटा और तंज सोच क्यों है आप लोगों की? नहीं, हमारा दिल तो बहुत बड़ा है। मुसलमानों ने साबित कर दिया कि हमारा दिल वाकई में बड़ा। न्यायालय ने ये भी बात वहां जब फैसला दिया तो न्यायालय ने साफ पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है आसिम वकार। न्यायालय ने इस बात का जिक्र किया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वहां पर कोई मंदिर के सबूत मिले। अब जब न्यायालय का फैसला आ चुका है, अब उसके बाद आप सवाल पूछ रहे हैं। मैंने तो आपसे सीधा सा पूछा कि शिलान्यास करने पीएम जा रहे हैं, आप लोगों की क्या सोच है? और दो पार्टियां हैं सर आपके, एक दो सांसद है ना, एक महाराष्ट्र में एक हैदराबाद में, और आप पूरे पूरे मुस्लिम जमात की बात को लेकर सामने आए। एमएस खान बैठे हुए हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। इकबाल अंसारी जिन्होंने इतने दिनों तक वहां पर संघर्ष किया, वो स्वागत कर रहे हैं। यहां पर आप बता रहे हैं मुसलमानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। शलमणि त्रिपाठी जी, विरोध तो हम भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं विरोध हम भी नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, मैंने कोई ये बात कही कि नहीं हम न्यायालय का फैसला नहीं मानेंगे? मैंने आपसे कहा इस चैनल पर अभी इस डिबेट में कि हम विरोध करते हैं, मैंने तो नहीं कहा। आप हमसे क्यों उम्मीद करते हैं? आपने मुझसे सवाल पूछा कि मुसलमानों से आप क्या चाहती हैं। मैंने ये तो पूछा नहीं कि हिंदू पर खुश है, मुसलमान खुश क्यों नहीं है। मैंने ऐसा सवाल तो किया नहीं, और ना मैं हिंदू मुसलमान लेकर आई थी, ना मैं हिंदू मुसलमान लेकर आई थी। नहीं, देखिए बात समझिएगा, आप बहुत काबिल हैं, आपकी काबिलियत में मुझे बिल्कुल शक नहीं है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि न्यायालय ने यह बात कही थी कि बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, बाबरी मस्जिद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनको एवज में जमीन देना ही देना होगी। एवज किस चीज का दिया जाता सर? जमीन मिल तो गया 5 एकड़, अब उस पे भी आप सवाल कर रहे हैं, यानी कि एक सवाल नहीं कर रहा। ये चलता रहता उस पर आप लोग ज्यादा खुश रहते, मामला कोर्ट में रहता, फैसला आ गया है, फिर भी आपको दिक्कत। अब तो मंदिर निर्माण होने जा रहा है, कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। अब तो मंदिर निर्माण होने जा रहा है, कोई सवाल नहीं खड़ा किया। मैंने तो न्यायालय के आदेश को दोहरा दिया है, राम मंदिर के नाम पर बहुत न्यायालय के आदेश को दोहरा दिया है। अब आप इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है एमएस खान साहब, मैं चाहूंगी आप ही जवाब दे दें। आप स्वागत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों से आप क्या चाहती हैं? एमएस खान, क्या नहीं, अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उसमें अब कोई क्या कर सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद और सरकार को निर्देश दे दिया गया कि आप इनका कमेटी बनाइए, अब बन गई कमेटी, अब काम कर रही है, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें? इसमें पहले से भी हम कहते हैं एक मसला ऐसा था जिसका पटाक्षेप होना चाहिए था। मणि जी जो कह रहे हैं, मणि जी की बात को भी मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं समझ रहा हूँ कि राम मंदिर को हज हाउस से जोड़ रहे हैं। क्या मतलब हज हाउस से जोड़ने का है? आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करिए, गंगा जमुनी तहजीब की बात करिए, आप कहाँ से कहाँ पहुंचे? आप तो संविधान में कसम खा के सत्ता में आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी आए हैं, सिकंद में भी आए हैं, तो आप मंदिर भी बनाएंगे, आप हज हाउस भी बनाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, दोनों हिंदू मुसलमान की बराबरी से करना पड़ेगा आपको, बराबर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको मंदिर भी बनाना पड़ेगा, आपको हज हाउस भी बनाना पड़ेगा। समझ गया खान साहब, मेरी बात को पीछे कर लेते हैं। खान साहब आपकी भावनाओं पर कोई शक नहीं है,
भावनाओं पर शक है अनुराग भदौरिया की, जिन्होंने जफरयाब जिलानी को खड़ा किया सरकारी वकील बनाकर उनको बहुत बड़ा ओहदा देकर, और लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार राम मंदिर के खिलाफ लड़ती रही। जफरयाब जिलानी को सरकारी वकील किसने बनाया? जफरयाब जिलानी को सरकारी वकील किसने बनाया? अखिलेश यादव जी ने बनाया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया। वो बकायदे राम मंदिर के खिलाफ लड़ते रहे तब कोई नहीं बोला, हाज हाउस जिन्होंने बनाया तब कोई नहीं बोला। इन्होंने एक भी बार दीपक नहीं जलने दिया, अयोध्या में एक दीपक तक नहीं जलने दिया। ये यहाँ पर रोजा इफ्तार करते रहे, मणि जी सुन लीजिए, रोजा इफ्तार करते रहे, मणि जी सुनिए, मणि जी सुनिए, मणि जी जरा सुनिए, वापस लिए, मणि जी सुनिए, मणि जी सुनिए, वापस लिए, मणि जी जरा साफ हो जाए, सुनिए। समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा से राजनीति कर रही तब से आई, ये जो विपक्ष के लोगों के सीने पर साफ देखता है, मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, को दिक्कत नहीं है, दिक्कत अनुराग भदौरिया को है, दिक्कत समाजवादी पार्टी को है, जिन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, जिन्होंने भारतीय इलेक्शन कमेटी का मुकदमा लड़ने वाले जफरयाब जिलानी को सरकारी ओहदा दिया, एक बार एमएस खान की बात सुन लीजिए, शलभ त्रिपाठी जी प्लीज, वो ये कह रहे हैं कि आप अगर मंदिर बनवा रहे हैं तो आपको हज हाउस में बनवाना पड़ेगा। हज हाउस में क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग, क्यों नहीं कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, हज हाउस में बनाएंगे? मैं तो एमएस खान की बात बाद उसके बाद जवाब दीजिएगा, आप ही बता दीजिए उसके बाद। एमएस खान साहब, हम तो वही मैं ये कह रहा हूँ, मणि जी सुन लीजिए मेरी बात, आप पूरा पढ़ लिया कीजिए। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि हम रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे, और जफरयाब जिलानी ने कहा कि मैं जाऊंगा, तो सुन्नी मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि हम तो जफरयाब पर किसने सरकारी वकील बनाया? खान साहब ये बता दीजिए ना कि जफरयाब पर सरकारी वकील कौन सी सरकार ने बनाया था? जब निकाल लिया जफरयाब को सरकारी वकील का ओहदा किसने दिया था? सुनिए, जफरयाब को सरकारी नाम किसने दिया था? कौन सी सरकार ने दिया था? जो है बताइए तो, जफरयाब को सरकारी नाम कौन सी सरकार ने दिया? ये मुकदमा समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया कि नहीं दिया? जफरयाब को बाप रिएक्शन कमेटी का मुकदमा लड़ने का इनाम अखिलेश यादव जी ने दिया कि नहीं दिया? नहीं तो बताइए, जफरयाब जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ते थे उनको सरकारी वकील अखिलेश यादव जी ने बनाया, अनुराग यादव की अनुराग भदौरिया की पार्टी ने बनाया, सुनते नहीं? आतंकवादियों का मुकदमा किसने वापस लिया? वहाँ दीपक क्यों नहीं जलने दिया? वहाँ दीपावली क्यों नहीं मनने दी? अयोध्या में विजयादशमी क्यों नहीं मनने दी? समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। खान साहब, क्या सवाल है आपका, जल्दी से पूछिए, जल्दी से। मैं कह रहा हूँ, मणि जी से कह रहा हूँ कि ये जो जफरयाब जिलानी की आप बात कर रहे हो, ये फटी स्कूटर पर चलता था, यही मुकदमा लड़ते लड़ते बड़ी तो समाजवादी पार्टी सरकार ने इनको इनाम क्यों दिया, ये तो बताइए खान साहब। इसको जब हटा दिया सुन्नी खान साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार ने ओहदा क्यों दिया? अनुराग भदौरिया से पूछिए, ये तो अनुराग भदौरिया से पूछिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जफरयाब जिलानी को उन्होंने क्यों सरकारी इनाम दिया? राम मंदिर की खिलाफत करने के लिए दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला की खिलाफत करने के लिए दिया, जफरयाब जिलानी को सरकारी ओहदे पर रखा क्योंकि वो राम मंदिर की मुखालफत कर रहे थे। अनुराग भदौरिया, चित्रा जी, चित्रा जी, आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूं? प्लीज प्लीज, किसी को तब तो बोलूं। चित्रा जी देखिए, बड़ी मजेदार बात है, आपने जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आए हैं आपने देखा होगा अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, माने उनपे उनके ऊपर में भूत सवार हो गया। क्यों? क्योंकि समाजवादियों वापस क्यों लिए, ये तो बता दो, वो गिना नहीं पा रहे अपना विकास। तो अनुराग भदौरिया आतंकवादियों के मुकदमे वापस क्यों लिए? कोरोना काल सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस क्यों लिए समाजवादी पार्टी सरकार ने? बेरोजगार है वो, राम के लाला जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में सीरियल ब्लास्ट किया सोचना बंद कर दिया है, उनके मुकदमे वापस क्यों ले लिए समाजवादी पार्टी सरकार ने? आत्महत्या पर गोली क्यों चलवाई? जीडीपी माइनस पे आप मांग लीजिए, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप चाइना हमारे सर पे मेरा मान दिया, कार सेवकों की हत्या के लिए माफी मांगिए, कार सेवकों की हत्या के लिए माफी मांगिए, अनुराग भदौरिया के लिए मुख्यमंत्री की आवाज के सामने आप गाली में माफी मांगिए, आपने सोचना बंद कर दिया, कार सेवकों की हत्या के लिए दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, खून बहाने के लिए माफी मांगो, आपने सोचना बंद कर दिया, खून बहाने के लिए माफी मांगिए, अनुराग भदौरिया अयोध्या में खून बहाने के लिए माफी मांग लीजिए, अभी भी टाइम है, राम के अभी भी वक्त है, मुसलमान भी समझ चुका है, हमने तो बोला कोर्ट का आपने मुसलमान को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, अब आप दूसरी बात भी करेंगे, केवल गोलियां चलवाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तो शिलान्यास की तारीख भी सामने आ गई है, दो में से एक दिन शिलान्यास होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे या फिर नहीं, इसके कंफर्मेशन का इंतजार है। एक जल्दी जल्दी से कमेंट विनोद बंसल जी आपका, उसके बाद सत्येंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। विनोद जी जल्दी से, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपकी डिबेट में दो बातें तो बड़ी स्पष्ट कर दी कि आखिरकार जो राजनेता बार बार जो हिंदुओं पर गोलियां चलवाते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते, उसकी बौखलाहट आज कैसी चरम पे है जब मंदिर निर्माण की बात आ रही है।
दूसरी बात मुसलमानों को जो मैं हिंदू मुसलमान नहीं कहना चाहता, लेकिन किसने मुसलमान बोला और मुसलमान कैसा बोला, उस मुसलमान ने मुसलमानों का पक्ष कैसे रखा, ये पूरे आपने सभी सूदी दर्शन में देखा। ये जो है मुसलमानों का दोहरा चरित्र बताता है, एक मुसलमान कुछ कहता है, दूसरा कुछ और कहता है, तीसरा कुछ और कहता है, ये एक लपेटा लगाएगा दूसरा उसकी उधेड़ेगा। मैं कहता हूँ ये जो है इस्लामिक जिहादियों का एक चरित्र है, जो न इस देश की कानून को मानते, न देश के संविधान को मानते, नई देश की न्याय व्यवस्था इसके संस्कृति को मानते। ये आखिरकार ये हमेशा से इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, भगवान राम का विरोध किया, और ये राम की जो मर्यादा उसका विरोध किया। ये करवाट इन्होंने क्यों फैलाई है, मैं कहता हूँ जब डिसीजन आ गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, तो बीच में मंदिर बनने को मंदिर की बात करना नहीं, ये चिकनी चुपड़ी बातें करने से और ये मंदिर बन रहा है। आवाज मिल रही है आपको? अरे कम से कम प्लीज आसिम बकार जी, इतनी कड़वाहट क्यों है आपके अंदर? अब जब फैसला आ चुका है मंदिर की हो रही है, भूमि पूजन की तैयारी हो रही है, यही पूछ रहे हैं विनोद बंसल, जल्दी से जहर क्यों उगल रहा है, क्यों उगल रहा है, पूछ रहे हैं। आपने आपने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया। हम मंदिर के अलावा भी दूसरी बात कर लेना, मैं आपके इल्जाम का मैं मंदिर का विरोध करूंगा। पूरा पूरा दुनिया देख रही है, बनेगा चोरी पर दुनिया का जान रही है, आपने क्या बोला, क्या बोला? अरे आपके आखिरकार आपकी मानसिकता की बोलेंगे तो कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। प्लीज अनुराग भदौरिया, आपकी बात हो चुकी है, विनोद बंसल जी आपने सवाल पूछा, जवाब तो सुनिए, का धैर्य दिखाइए, जल्दी से बकार जी, जल्दी से। देखिए आपने जो मुझ पर इल्जाम लगाया है, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, विनोद इल्जाम जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए आपने कहा कि आपके अंदर बहुत कड़वाहट, ये विनोद बंसल का सवाल था, ये विनोद बंसल का सवाल था। नहीं, मेरे अंदर तो कड़वाहट नहीं है, अगर हमारे अंदर कड़वाहट होती, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब न्यायालय ने यह बात कही कि मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, बाबरी मस्जिद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इनको इसके एवज में जमीन देना ही देना होगा। ये उस पापी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, सर झुका कर, पापी चला जाए, अगर पाप चला जाए, लेकिन पापी का साथ देने के लिए ये हमेशा खड़े रहेंगे। मतलब ये चाहे न्याय व्यवस्था कुछ भी कहती रहे, देश का संविधान कुछ भी बोलता रहे, आखिरकार देश की संस्कृति संविधान मान मर्यादा कुछ भी कहती रहे, लेकिन इन्होंने सिर्फ बाबर का ही साथ देना, तो मानना पड़ेगा, बाबर का साथ कर देना है, सारे ठीक है। चलिए, यानी कि कुल मिलाकर राम मंदिर मामले का पटाक्षेप हो गया, भव्य राम मंदिर की तैयारी शुरू हो चुकी है, भूमि पूजन के लिए तारीख भी दो सामने आ चुकी है, लेकिन जो कड़वाहट है आपस की वो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब सवाल बड़ा यह है कि आखिर इसका पटाक्षेप, ये जो आपसी मतभेद और मनभेद लगातार कई सालों से चलते चले आ रहे हैं, इसका पटाक्षेप आखिर कब होगा?